हिस्टोपैथोलॉजी का जो स्पेशल स्टेनिंग, स्पेशल मेथड्स ऑफ टिश्यू स्टेनिंग के बारे में जो बता रहे थे, उसमें नेक्स्ट जो स्टेन है वो मैसन फोंटेना सिल्वर स्टेनिंग है। इसका सबसे पहले एम देख लेते हैं। तो एम इसका क्या होता है मैसन फोंटेना सिल्वर स्टेनिंग का, तो अर्जेंटिफिन ग्रैन्यूल्स देखना होता है हमको टिश्यू में, तब जो है हम मैसन फोंटेना सिल्वर स्टेनिंग करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ग्रैन्यूल्स एंड अर्जेंटिफिन सेल्स रिड्यूसेस अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन टू मेटेलिक सिल्वर, यानी अमोनिकल सिल्वर को कन्वर्ट कर देता है मेटेलिक सिल्वर में, और हम इस तब हम इसकी मदद से देख पाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ये दिया हुआ है कि दिस हिस्टोकेमिकल रिएक्शन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5-hydroxytryptamine। द 5-hydroxytryptamine मस्ट बी कन्वर्टेड टू tetrahydrocarbonyl derivative by formalin fixation। मतलब यही है कि प्रेजेंट होता है ट्रिप्टामाइन और यही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टेन करने पे और ये इसमें मेटेलिक सिल्वर में, और हम इसको आसानी से देख पाते हैं। और हमको यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या चाहिए एक बार फिर से ये बोल देते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, ये स्टेन किया जाता है अर्जेंटिफाइन सेल में ग्रैन्यूल्स देखने के लिए, और सिंपली प्रिंसिपल इतना याद रखिए कि अमोनिकल सिल्वर जो है वो मेटलिक सिल्वर में कन्वर्ट होता है और तब हम उसकी मदद से उसको देख पाते हैं। रिएजेंट क्या क्या हमको चाहिए होता है, तो स्टॉक 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट चाहिए होता है, हमको फोंटेना मैसन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए होता है, इतने सारे हमको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, केमिकल चाहिए होते हैं स्टेनिंग करने के लिए। और ये सारे केमिकल जो है रेडीमेड आपको इस तरह से मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन अगर बनाना हो तो कैसे बनता है वो भी दिया हुआ है कि स्टॉक 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हमको सिल्वर नाइट्रेट AR ग्रेड 10 ग्राम लेना होगा और डिस्टिल वाटर इसमें मिलाना होगा और ये सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन कैसे कितना अमाउंट में डाल करके बनाते हैं वो दिया हुआ है, वरना इस तरह से आपको सॉल्यूशन रेडीमेड बना बनाया मिलता है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे फोंटेना मैसन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए दिया हुआ है कि ये कैसे बनता है, तो 50 ml ऑफ सिल्वर 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है बनाना है, तो ऐड 1 or 2 drops ऑफ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड चाहिए। फर्स्ट ड्रॉप इटसेल्फ विल काउज ब्राउन प्रिसिपिटेट, कंटिन्यू टू ऐड अमोनिया, ब्राउन प्रिसिपिटेट दिखेगा जैसे ही मिलाएंगे, और कंटिन्यू टू ऐड अमोनिया सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप देना होता है हमको जब तक ये क्लियर ना दिखे। और फ्रॉम 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड लिटिल मोर सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, 10% जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था उसमें से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाते रहेंगे और फेंट टर्बिडिटी अटेंड तब तक मिलाएंगे जब तक टर्बिड नहीं हो जाए, मतलब टर्बिड यानी धुंधला नहीं हो जाए, और धुंधला हो जाए तो मिलाते रहा, मिलाने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद उसको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यूज़ बिफोर यूज़ डिकैंट सिल्वर सॉल्यूशन, डिकैंट कर देते हैं यानी कि जो छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद ऊपर में जो तैरता हुआ रहेगा उसको हटा देंगे और नीचे का सॉल्यूशन सिर्फ हम यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, तो फिल्टर करके डाइल्यूट विद इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर, जितना सॉल्यूशन रहेगा उतना ही डिस्टिल वाटर हम उसमें मिला के डाइल्यूट कर लेंगे अच्छे से उसको, तब हम उसको यूज़ करेंगे। और हमेशा ये बोल रहा है कि फ्रेश बना कर के ही यूज़ किया जाता है, तो यही है फोंटेना मैसन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिला करके ये बनाया जाता है, और सिल्वर 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेकर के हमको बनाया जाता है इसको। मेथड लिखा हुआ है, सिंपल है, सिर्फ करना ये होता है कि 50 ml ऑफ 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है और 2 drops अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाना है, और अमोनियम सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे तब तक जब तक के ये ब्राउन कलर का दिखने ब्राउन कलर का पहला ड्रॉप डालने से ब्राउन दिखेगा, और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक ब्राउन कलर हट नहीं जाता, क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ब्राउन कलर हट जाएगा तब तक मिलाएंगे अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसमें 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाएंगे, 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जब मिलाएंगे तो वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ही मिलाएंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक के
धुंधला ना हो जाए सॉल्यूशन। धुंधला हो जाएगा तो सेटल होने के लिए छोड़ देंगे, और ऊपर में जो तैरता हुआ रहेगा उसको हटा देंगे, और तब उसको जितना मान लीजिए अगर 50 ml रहेगा मैसन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो बना है, तो उसमें 50 ml ही डिस्टिल वाटर भी मिलाकर उसको 100 ml का बना लेंगे, और तब उसको स्टेन करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है, तो ब्रिंग सेक्शन डिस्टिल वाटर में पहले डाल देंगे टिशू को, फिर क्या करेंगे कि 1 घंटे के लिए 56 to 58 degrees Celsius पे हमको इसको रखना होगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। फिर उसमें से निकाल के अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन में रखेंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर उसको को अच्छे से डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे, फिर उसमें गोल्ड क्लोराइड डालेंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसको अच्छे से डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे, फिर उसको रखेंगे सोडियम थायोसल्फाइड में थायोसल्फेट में 2 मिनट के लिए, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर उसको काउंटर स्टेन करेंगे यानी 1 मिनट के लिए, फिर स्टेन करेंगे किस में, तो न्यूट्रल रेड स्टेन में, फिर अच्छे से उसको वॉश कर लेंगे डिस्टिल वाटर में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल में, फिर क्लियर करेंगे ज़ाइलीन में, और फिर माउंट कर देंगे। तो डिहाइड्रेट कैसे किया जाता है वो बहुत बार बता चुके हैं। सबसे पहले 10% अल्कोहल में, फिर 30% में, 50% में, 70% में, 90% में, 100% अल्कोहल में 2-2 मिनट के लिए डालेंगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और इस तरह से स्टेन किया जाता है। जितना स्टेनिंग बताए हैं तो अलग अलग स्टेन रहेगा आपको, उसी में इस तरह स्लाइड जिस पे टिश्यू रहेगा उसको जितना जितना देर के लिए डालना है डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। टिश्यू इस तरह से रहता है स्लाइड के ऊपर, तो उसके बाद क्लियर कर लेंगे ज़ाइलीन में, यानी ज़ाइलीन में डाल करके 2 मिनट छोड़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। फिर माउंट करते हैं DPX से। ये स्लाइड है, टिश्यू स्टेन हुआ है, 1 ड्रॉप DPX डालेंगे, ऊपर से कवर स्लिप रख करके ढक देंगे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माउंट करना। माउंट हो जाएगा तो अब हम रिज़ल्ट देखेंगे। मेलनिन जो रहेगा वो ब्लैक दिखेगा, अर्जेंटिफिन सेल ग्रैन्यूल ब्लैक दिखेगा, और लाइपोफिक्सिन रहेगा ब्लैक दिखेगा, उसके बाद हमको क्रोमाफीन ब्लैक दिखेगा, न्यूक्लियस जो है वो रेड दिखेगा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे इस तरह से हमको दिखेगा। तो ये था मैसन फोंटेना स्टेन का, कि किस तरह से जो है स्टेनिंग किया जाता है। अब इसमें एक या दो और स्टेनिंग का मेथड बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।